मास्टर क्लास इन बायोलॉजी का पार्ट 3 2021 का पार्ट 3 टेस्ट, उसमें ये 11th का है। पार्ट 1 और 2 में 12th का और पार्ट 3 और 4 में 11th का। तो इसमें इनकरेक्ट क्वेश्चन मेरा कितना हुआ वो देखते हैं। सबसे पहले गैमेट आर फ्लैजिलेटेड एंड सिमिलर इन साइज। फ्लैजिलेटेड होना चाहिए, तो स्पायरोगायरा में सिमिलर साइज़ होता है और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। और स्पायरोगायरा के साथ साथ में किसका दिया हुआ है, यूरोथ्रिक्स का, है ना। और ये होता है फ्लैजिलेटेड होता है और सेम इन साइज़ होता है। स्पायरोगायरा और यूरोथ्रिक्स सेम जैसा है, बस स्पायरोगायरा में नॉन फ्लैजिलेटेड और यूरोथ्रिक्स में फ्लैजिलेटेड, ठीक है। यूडोराइनो वाला भी कुछ है जिसको मैं अभी भूल रही हूँ, वॉलबॉक्स में तो फिर वो गैमस होता है। ऑल एनिमल्स विद द टू सिलोम हैव, ओके, टू सिलोम मतलब कि एनेलिडा। एनेलिडा के बारे में मैं क्या क्या पता कर सकती हूँ, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, मेटामेरिज्म होता है। मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं, आंसर इज ऑप्शन 3। तो जितने भी एनिमल्स में टू सीलोम है सब में बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखिएगा। अगर आप इकाइनोडर्म्स के बारे में सोच रहे हैं तो ये याद रखिएगा कि इकाइनोडर्म्स का लार्वा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है और उसकी फिर ये सेकेंडरी एडेप्टेशन है कि एडल्टहुड में उसमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इट डज हैव बाइलेटरल सिमेट्री एंड ऑल बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैव ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तीन जर्म लेयर्स होती हैं उनमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। मेटामेरिज्म उस कंडीशन को कहते हैं कि बॉडी जो है वो एक लीनियर सीरीज ऑफ रिपीटिंग पार्ट्स से बनी है, हर एक पार्ट को मेटामियर कहा जाता है और हर एक बना था सीक्वेंस से एम्ब्रियो में एंटीरियर टू पोस्टीरियर, इस चीज को मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। ये आपको हर एक टू सीलोमेट में देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मोलस्क, मोलस्क में टू सीलोम है बट बॉडी इज नॉट मेटामेरिकली सेगमेंटेड। एनिलिड, आर्थ्रोपोड और गॉर्गेटा, तीनों के तीनों जो ग्रेड्स हैं वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स के हैं। ओके, मतलब सारे सीलोम वाले में मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके ओके, ठीक है। मेरे को लग रहा था ओनली दूसरा वाला सही है, मतलब पहला वाला भी गलत लग रहा था। अच्छा, पहला वाला इसलिए गलत लग रहा था क्योंकि मैं इकाइनोडर्म को सोच ली थी। हाँ, लेकिन इकाइनोडर्म में बाइलेटरल होता है स्टार्टिंग में और सेकेंडरी एडेप्टेशन है कि वो रेडियल हो जाए एडल्ट में। ओके, सेकेंडरी एडेप्टेशन है रेडियल, सर ऐसा बोले, ठीक है। द स्टील इन डाइकोट रूट रूट डज नॉट इंक्लूड स्टील। स्टील किसको बोलते हैं, स्टील इन डाइकोट रूट डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। स्टील इन डाइकोट रूट डज नॉट इंक्लूड एंडोडर्मिस, अच्छा, और इपिडर्मिस, अच्छा, क्या है यार, वास्कुलर बंडल और एंडोडर्मिस तो होता है क्या, मतलब डू नॉट इंक्लूड स्टील में किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, एंडोडर्मिस को। कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है, एंडोडर्मिस, पेज 91 आपकी एनसीईआरटी का। देखिए एक सिंपल पॉइंट याद रखिए, ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस दे कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टील। तो सारे टिश्यूज जो एंडोडर्मिस के अंदर है, अंदर की तरफ है, वो स्टील बनाते हैं। और इसमें कौन कौन हो गए, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल और विद डायग्राम जरूर देखिएगा, पेज 91 पर बना हुआ है। ओके, एंडोडर्मिस के अंदर को सबको बोलते हैं, के अंदर के सबको बोलते हैं, मतलब एंडोडर्मिस को भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। द फेलोपियन ट्यूब आर लाइंड विथ, फेलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं तो उसमें तो सिलिएटेड होता है लेकिन सिंपल क्यूबॉइडल नहीं होता है, सिंपल कॉल्यूमिनार होता है। क्यूबॉइडल तो नेफ्रॉन, सिर्फ नेफ्रॉन, ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सीलियम सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम है। सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब की लाइनिंग में दिखाई देता है 2020 नीट एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेलोपियन ट्यूब में ये जो सीलिएटेड एपिथेलियम है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेल्सिस जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है ओवुलेशन के दौरान उसको टुवर्ड द यूटरस पुश करने का काम करते हैं। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियम, याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सीलियम सिंपल
कोलमनार सीलिएटेड एपिथीलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथीलियम पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल की लाइनिंग में दिखाई देता है। 2020 नीट एंट्रेंस एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। फेलोपियन ट्यूब में ये जो सीलिएटेड एपिथीलियम है विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टेल्सिस जो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ है ओव्यूलेशन के दौरान, उसको टूवर्ड्स द यूट्रस पुश करने का काम करते हैं। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथीलियम। याद रखिएगा फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में सिलियम सिंपल कोलमनार सीलिएटेड एपिथीलियम है, सिंपल क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथीलियम पीसीटी प्रॉक्स। देखा सर ने बताया ना कि पीसीटी में होता है क्यूबॉइडल वाला, ठीक है। दो लैकिंग इन मेम्ब्रेन बॉन्ड इज ऑर्गेनली अ प्रोकैरियोटिक सेल कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट मैनी फंक्शन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल विद द हेल्प ऑफ। विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब भाई उसके पास अच्छा मैं क्या लगाई थी, इंक्लूजन बॉडी की है लगाई थी। ऑप्शन थ्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अपनी एनसीईआरटी में याद कीजिए 8.4.1 जो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशंस में आपसे मीसोसोम और क्रोमैटोफोर्स की बात की है जो मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन है। आप जानते हैं मीसोसोम सेल वॉल फॉर्मेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, रेस्पिरेशन में, सिक्रेटरी प्रोसेसेस में, जो एंजाइम कंटेंट है उसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में इस्तेमाल होता है, और जो क्रोमैटोफोर है उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया में। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट सिंपली अ पार्टीशन, इट इज अ वेरी वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर। ओके मेरे को सच में अभी मतलब जब मैं क्वेश्चन पढ़ी तो मेरे को याद आया कि मीजोजोम वाला वही सेल मेम्ब्रेन का ही होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। बहुत अच्छा। गैमिट आर फ्लैज अच्छा अनलाइक बर्ड्स एंड मैमल्स क्रोकोडाइल अनलाइक बोल रहे हैं। अच्छा बर्ड्स एंड मैमल्स, क्रोकोडाइल तो रेप्टाइल्स हैं और क्रोकोडाइल के पास फोर चैम्बर होता है ये तो पता है, लेकिन अनलाइक में पूछ रहे हैं और उन लोग के पास भी फोर चैम्बर होता है तो अनलाइक तो नहीं हुआ ना। मोस्टली एक्वेटिक नहीं, मोस्टली एक्वेटिक कहाँ होता है। आर पोइकिलोथर्म, देखो वो वार्म ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड को पोइकिलोथर्म बोलते हैं। अनलाइक एक मिनट, होमियोथर्म बोलते हैं। मैं कैसे पागल हो रही हूँ। डू नॉट हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट, डू नॉट हैव डायरेक्ट डेवलपमेंट वाला पॉइंट तो मेरे को अच्छे से नहीं पता, लेकिन ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 58 आपकी एनसीईआरटी का। तो देखिए कोई किलो थर्म्स है, कोल्ड ब्लडेड शब्द को आप लार्जली अवॉइड कीजिए। एंडोथर्मिया होमियोथर्मी जो है वो एज अ ग्रुप बेसिकली बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलती है, हालांकि उनकी तरह के पास चार चेंबर हार्ट है पर एंडोथर्मी नहीं हुई, डबल आयोडिक आर्च है, ये वजह हो सकती है इसके पीछे। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एमनियन, होने का फायदा हुआ एग में की डेसिकेशन से बच सकते हैं और इसीलिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में बड़ी आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओवर एम्फीबियंस एंड दे हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट। माइक्रोट्यूब्यूल फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द कैनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड इन इन द मेटाफेज वन में लगाई थी, मेटाफेज टू आंसर है क्यों। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। सो पेज नंबर 168 पे मेटाफेज 1 देखिए, पेज नंबर 169 पे मेटाफेज 2 देखिए। मेटाफेज 1 पे बाइवलेंट अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, इसलिए माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल जो होता है स्पिंडल से उसपे उससे आकर के अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो हर एक मेंबर पे एक तरफ से आकर के आपने कहा कि स्पिंडल अटैच हो गया। मेटाफेज 2 पर क्रोमोसोम अलाइन होता है बजाय बाइवलेंट के, और इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। प्लीज ट्राई टू मेक दिस डिफरेंशिएशन, रीड एनसीईआरटी, इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल अपोजिट पोल जो होता है स्पिंडल से उसपे उससे आकर के अटैच होते हैं काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो हर एक मेंबर पे एक तरफ से आकर के आपने कहा कि स्पिंडल अटैच हो गया। मेटाफेज 2 पर क्रोमोसोम अलाइन होता है बजाय बाइवलेंट के, और इसीलिए माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। प्लीज ट्राई टू मेक दिस डिफरेंशिएशन। अच्छा मतलब कि मेटाफेज 1 बोलेगा तो होमोलोगस क्रोमोसोम से अटैच होना चाहिए ऐसा कुछ है? ठीक है। द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज इन द प्राइमरी ऊसाइट ऑफ ह्यूमन विल बी। मैं
मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं है। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मैं प्रोफेस की एक जनरल आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है जिसका आंसर पैकेटीन होना चाहिए। यहाँ पर मैंने स्पेसिफिकली आपसे ये पूछा है कि लॉन्गेस्ट फेज जो होती है मियोसिस वन की प्राइमरी यूसाइट्स ऑफ ह्यूमंस में, सो दिस आंसर वुड बी डिप्लोटीन। इसको आप डिक्टाइड या डिक्टायोटीन स्टेज भी कहते हैं, प्रोलॉन्ग रेस्टिंग स्टेज है ऊजेनेसिस में। आप जानते हैं बर्थ के टाइम पे फीमेल की ओवरी में वो सारे फ्यूचर ओवा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी यूसाइट अरेस्टेड एट प्रोफेस वन ऑफ मियोसिस वन, दैट इज द स्टेज। और ये जो प्रोफेस वन की स्टेज है ये डिप्लोटीन है, और ये स्टेज जब खत्म होती है तब खत्म होती है जब एलएच सर्ज होता है जस्ट बिफोर ओवुलेशन। अच्छा सर, तो बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चन बना दिए। द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस वन इन द प्राइमरी ओसाइट ऑफ द ह्यूमन विल बी, अच्छा, पैकेटिन भी आंसर होता है, लेकिन अगर जनरल क्वेश्चन पूछा तब ओसाइट नहीं दिया तब, और अगर ओसाइट वाला दिया तो डिप्लोटीन। ठीक है, अ स्टूडेंट राइट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ मैंगो मैंगिफेरली इंडिकालीन, व्हाट मिस्टेक, कैपिटल एम मिस्टेक है ना, द जीनस नेम, जीनस स्पीसीज बिगिन विद द कैपिटल, पहला वाला है ना पहला होना चाहिए, दूसरा द स्पीसीज नेम शुड बी इटैल इटैलिक्स में लिखना चाहिए था उसको, लेकिन वो सीधा सीधा लिख दिया है। थर्ड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट गिवन इन द एंड शुड नॉट बी एब्रीवेटेड, अरे यार एब्रीवेटेड। ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है, जीनस का नाम कैपिटल से शुरू होना चाहिए, स्पीसीज का नेम या तो इटैलिसाइज होना चाहिए या सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। अब आप तीसरे को समझ लीजिए, तो ऑथर साइटेशन जूलॉजी और बॉटनी में अलग अलग तरीके से है। तो अगर आप आईसीजेडएल की बात करें तो वो ये कहते हैं कि जो ऑथर का जो नाम है वो पूरा लिखा होना चाहिए, सो पूरा नाम लिखा होना चाहिए, साथ में एक डेट भी होनी चाहिए, जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है वो आपको देना है। दिस इज एप्लीकेबल फॉर आईसीजेडएन, पर यहाँ पर हम मैंगो की बात कर रहे हैं तो आईसीबीएन या आईसीएन एएफपी आजकल इसको कहते हैं एल्गी फंजाई और प्लांट्स के लिए। सो यहाँ पर जो नाम है वो जनरली एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशन में रिड्यूस कर दिया जाता है और डेट को ओमिट किया जाता है। तो यस इट कैन बी एब्रीविएटेड। हाँ, इसमें गलती ये हो सकती है कि कैपिटल एल आना चाहिए पर वो हमारे क्वेश्चन में कवर नहीं होता। कई बार ही लिनियस के लिए केवल कैपिटल एल और बाद में डॉट लगा देते हैं, ये स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है लिनियस की। अगर कोई पैरेंथेसिस नहीं है तो हमें ये पता लगता है कि ये उसके द्वारा दिया हुआ ओरिजिनल नेम है। ओके, एब्रीविएशन का मतलब समझ आया अब मेरे को? एब्रीवेटेड का मतलब है कि पूरा ना लिखना, ऐसा कुछ शायद। इन बेलेनोग्लॉसस रेस्पिरेशन टू प्लेस टेक प्लेस थ्रू गिल्स, यार गिल्स दिया हुआ है, क्या मेरे को बेलेनोग्लॉसस याद नहीं होता है? ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बेलेनोग्लॉसस बिलोंग्स टू फाइलम एनीकॉर्डेटा, पेज 54 ऑफ योर एनसीईआरटी। गिल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। बॉडी के तीन पार्ट्स प्रोबोसिस कॉलर और एक ट्रंक होता है, सेक्स इज सेपरेट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। दोनों एग्जांपल याद रखिए, बेलेनोग्लॉसस और सेकोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस सेकोग्लॉसस तो याद है, एनीकॉर्डेटा भी याद है, अब गिल्स भी मेरे को याद ही था, मतलब हो गया है, अपना गलती सुधार ली हूं। और क्या है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, दोनों एग्जांपल याद रखिए। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इसको कैसे याद रखूं? मेरे को नहीं पता मैं कैसे याद रखूंगी, क्या पता मैं इस वीडियो को बार बार देखूं तो याद हो जाए। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल लिखा हुआ है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है। पोरफायरा सार्गोसम एंड लैमिनेरिया आर एल्गी है, पहला वाला तो पोरफायरा एंड पोरेटर, पहला वाला तो रेड है भाई और दूसरा वाला तो ब्राउन है, तो क्या क्या दिया है? पहला दिया ब्राउन एल्गी, सब तो ब्राउन नहीं है, तो पहला वाला तो होना नहीं चाहिए। दूसरा है मराइन एडिबल फिश, हाँ ये पूरा लिखा हुआ है लाइन, तो ये इसका आंसर सेकंड हो जाएगा, ओनली टू करेक्ट। और मैं लगाई थी दोनों इनकरेक्ट है, क्योंकि मेरे को लग रहा था मराइन सब के सब मराइन कैसे होंगे, लेकिन ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। सो बोनफायरा, सरगासम और लैमिनेरिया तीनों की तीनों मरीन एडिबल एल्गी हैं। बिल्कुल डायरेक्ट लाइन आपकी एनसीईआरटी की पेज नंबर 32 पर। और याद रखिए कि जो बोनफायरा है, अगर आप पेज नंबर 32 देखेंगे तो वो ब्राउन एल्गी नहीं है, सरगासम और लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, लेकिन बोनफायरा नहीं है, बोनफायरा इज रेड एल्गी। इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। फोर्थ इनकरेक्ट है, सिंपल स्क्वायर सरफेस ऑफ ओवरी। हाँ, मैं क्या लगाई सिंपल क्यू कॉल्यूमिनार, भाई कॉल्यूमिनार तो फैलोपियन और क्यूबॉइडल तो पीसीटी व ट्रांजिशनरी यूरिनरी ब्लेडर, यार सब कुछ पता था तो फोर्थ ही लगा देती। क्या चले जाता सिंपल स्क्वायमस। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, सरफेस ऑफ द ओवरी पे सिंपल क्यूबॉइडल लगी थी, होगा सिंपल स्क्वायमस नहीं, तो फैलोपियन ट्यूब क्यूबॉइडल होगा सरफेस ऑफ द ओवरी में, स्क्वायमस नहीं। जानते हैं सिंपल कोलमनार सीलिएटेड, बिल्कुल ठीक है। पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन सिंपल इन द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया फ्लैजिला द रेडियल स्पोक्स कनेक्ट वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ द ईच पेरीफेरल डबलेट। ओके, द रेडियल स्पोक कनेक्ट वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरीफेरल डबलेट टू द सेंट्रल ब्रिज टू द सेंट्रल शीथ, समझ में आया। और पहला में कहते हैं द ब्रिज ऑफ द सेंट्रल, ब्रिज ऑफ द सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स, ब्रिज नहीं सिर्फ सेंट्रल शीत। अच्छा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, पेज नंबर 137। ये तो फिगर देखिए 8.10b और 8.5.8 सीलिया और फ्लैजेला में, इसको पढ़िए, द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस एंड इज आल्सो एनक्लोज्ड बाय अ सेंट्रल शीथ व्हिच इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट बाय अ रेडियल स्पोक। सो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से। सही बात है, मेरे को इसको हल्का सा रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि किससे कौन अटैच हो रहा है लैंग्वेज में मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ। द रेडियल स्पोक कनेक्ट टू द ट्यूब्यूल्स ऑफ पेरिफेरल डबलेट, पेरिफेरल डबलेट से रेडियल स्पोक कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ ईच पेरिफेरल डबलेट, ठीक है मैं देख लूँगी इसको। बहुत पॉलीब एंड मेड्यूसा इन, ओके, इन नेडेरियंस आर सेसाइल, दोनों सेसाइल और दोनों ऐसा तो हो नहीं सकता है, रेडियली सिमेट्रिकल, सही बात है, सब में रेडियली सिमेट्रिकल होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म है दोनों, नहीं एक के सेक्सुअल फॉर्म भी होता है, हैप्लॉइड भी गलत है, मैं हैप्लॉइड को सोच रही थी क्योंकि मेरे को ये सब लग नहीं रहा, रेडियल लग नहीं रहा था और पहला तीसरा पता था, लेकिन रेडियल सिमेट्री सब में होता है। देखो क्या यार, मैप याद की थी ना, मैप मैप मेड्यूसा फॉर्म पॉलीब, या पॉलीब मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलीब एसेक्सुअली है ना, ऐसे ही कुछ है शायद। नेडारियंस में दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलती हैं, पॉलिप्स और मेडुसा। पॉलिप जो है वो सेसाइल है, और अगर मेटाजेनेसिस देखने को मिल रहा है तब आप देखेंगे कि पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मेडुसा प्रोड्यूस करता है और मेडुसा फ्री लिविंग है। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली, अच्छा मतलब मैप में पी से स्टार्ट होना है, एम तक पहुंचना है, उल्टा जाना है, मैप पढ़ के उल्टा जाना है कि पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके पॉलिप प्रोड्यूस करता है अगर किसी मेंबर में मेटाजेनेसिस देखने को मिल रही है। सो देखिए दोनों सेसाइल नहीं है, पॉलिप सेसाइल है, मेडुसा फ्री लिविंग है, दोनों सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फॉर्म नहीं है, मेटाजेनेसिस है, पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, दोनों डिप्लॉइड है, दोनों डिप्लॉइड है, दिस इज दैट इज व्हाई इट इज नॉट अ ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मेटाजेनेसिस, लेकिन दोनों में रेडियल सिमेट्री होती है, ऑप्शन 2 इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, दोनों हैप्लॉइड में डिप्लॉइड है, अच्छा T3 करेक्ट बताना है, 1 2 3। पहला ही आंसर है, मतलब करेक्ट सब हैं, पर ऑक्सीडेज हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप। ओके, कोएंजाइम एनएडी एंड एनएडी पीएच कंटेन नियासिन, ये बात तो पता था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में जिंक पता था, मतलब दूसरा तीसरा मेरे को पता था लेकिन पहला मेरे को पता नहीं था। पर ऑक्सीडेज इज अ हीम, पर ऑक्सीडेज जो होता है वो हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है पर ऑक्सीडेज में, ठीक है।
ऑप्शन वन करेक्ट आंसर है, तीनों करेक्टली मैच है। ये इन्फॉर्मेशन आपकी एनसीईआरटी की है, इसको हमेशा याद रखिएगा। सो देखिए, जो मेन है, जो कंप्लीट एंजाइम है, उसको होलो एंजाइम कहते हैं। इसका जो मेन प्रोटीन पार्ट है उसको आप एपो एंजाइम कहते हैं, और जो साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए इसकी एक्टिविटी के लिए उसको आप को फैक्टर कहते हैं। को फैक्टर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे जैसे को एंजाइम्स, प्रोस्टेटिक ग्रुप और मेटल्स, और उन्हीं के एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी से। तीनों करेक्टली मैच है, ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी करना है यार। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक इन विट्रो आर सेकेंड नॉट लिविंग थिंग बट आर लिविंग रिएक्शन। ठीक है, नॉट लिविंग थिंग नहीं है लेकिन लिविंग रिएक्शन है। साइनोबैक्टीरिया आर 1, 2, 3 सब है, मतलब साइनोबैक्टीरिया आर यू बैक्टीरिया। हैव क्लोरोफिल सिमिलर टू ग्रीन प्लांट, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, ये हो गया, ये भी हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ टेप रूट मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फूड स्टोरेज। नॉट, अच्छा, नॉट एग्जाम्पल ऑफ रूट मॉडिफिकेशन। अच्छा, तो दो दिया है ना, एट टेप रूट ऑफ पोटैटो एंड एडवांटेजियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। क्या है यार, ऑप्शन फोर इज करेक्ट आंसर, स्वीट पोटैटो। बहुत सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का, आईपो या बटाटस कहते हैं स्वीट पोटैटो को। इसमें ट्यूबरस रूट होती है, ट्यूबरस रूट एक स्टोरेज रूट होती है। इट इज अ मॉडिफाइड लेटरल रूट, इट इज नॉट अ टैप रूट, इट इज अ मॉडिफाइड लेटरल रूट। इट एनलार्जेस टू फंक्शन एज अ स्टोरेज ऑर्गन। टेप रूट नहीं होता, लेटरल रूट होता है ऐसा कुछ। ठीक है, इमर्जेंट प्रॉपर्टी एट द हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इमर्जेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, आर नॉट करेक्ट आंसर, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, थिंक ऑफ अ कार। तो आप जो कार देख रहे हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, ऑटोमोबाइल है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर सकती है। अब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखिए, इसमें एक सीट है, एक इंजन है, स्टीयरिंग है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको सब अलग अलग कर दीजिए। सो किसी में भी ये प्रॉपर्टी नहीं है जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कार में अपीयर हो रही है, लेकिन सबके इंटरेक्शन की वजह से हो रही है। सो टायर्स हैं, सीट है, आप समझ गए होंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इंडिविजुअली दे आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग यू एनीवेयर, लेकिन जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब वो कार बनती है और वो आपको लेके जाती है। इसीलिए बायोलॉजी में ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हायर लेवल पे देखने को आपको मिलती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट के इंटरेक्शन की वजह से हायर लेवल पे इमर्ज होती हैं। कंसीडर द टू स्टेटमेंट, आंसर है सेकंड, बोथ आर करेक्ट बट टू डज नॉट एक्सप्लेन वन। माइकोप्लाज्मा आर नेचुरली रेजिस्ट टू एंटीबायोटिक लाइक पेनिसिलिन बिकॉज दे आर द स्मॉलेस्ट थिंग लिविंग थिंग नॉन कैन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये फैक्ट है, लेकिन उसका रीजन थोड़ी है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसको रजिस्ट करने का। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, माइकोप्लाज्मा नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन, बिल्कुल ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा आप जानते हैं, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी आप जानते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर मैं पहली स्टेटमेंट में एसेंशियल रीजन करने का क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं कि अगर आप चॉइस वन ढूंढना चाह रहे हैं कि है कि नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट के आखिर में बिकॉज लिख लीजिए। तो जैसे माइकोप्लाज्मा आर नेचुरली रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन बिकॉज द आंसर वुड बी पेनिसिलिन एक्चुअली एक्ट्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, और जो पेप्टाइड्स और ग्लाइकन्स होते हैं उनकी जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसको डिसरप्ट कर देता है, इस तरह से इट एक्ट्स एज अ बैक्टेरिसाइडल। अगर ये दिया होता सेकंड में तो वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता, हालांकि सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। ओके, अगर इसमें सेल वॉल पे एक्ट करता है ऐसा कुछ दिया रहता है तो करेक्ट होता। स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट ब्रायोफाइट, क्योंकि ब्रायो में क्या होता है, गैमेटोफाइट इज अ डोमिनेंट फेज। मोलस्क हैज कीमोसेंसरी स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल टू ईयर ऑफ द हेयर, दिस मोलस्क कैन बी एप्लीशिया। ऑप्शन थ्री करेक्ट आंसर है, बिल्कुल डायरेक्ट आपकी एनसीईआरटी से, पेज नंबर 54। एग्जांपल्स देखिए फाइलम मोलस्का के, पहली चीज तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन इस तरह से भी एंट्रेंस में आ सकता है, इसलिए एनसीईआरटी में जो एग्जांपल्स हैं उनके कॉमन और बायोलॉजिकल नेम्स आपको याद करने हैं। अब देखिए इसको सी एयर किसलिए कहते हैं, क्योंकि इसकी तो शेप राउंड है और इसके पास दो लंबे कीमोसेंसरी ऑर्गन्स हैं, राइनोफोर्स कहते हैं, जो सिर से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, और ऐसा लगता है कि जैक रैबिट के, जैक रैबिट को आप हेयर कहते हैं, उसके कान जैसे ये दिखते हैं, इसलिए इसको सी एयर कहा जाता है। ठीक है,
फाइलोडेक्स इज नॉट ऑफ अल्टरनेट टाइप इन गुआवा, बाकी सब में ऑप्शन 4 गुआवा इज द करेक्ट आंसर। पेज नंबर 71 5.3.3 फिलोटेक्सी डिवाइस कीजिए। बेसिक अरेंजमेंट जो है लीव्स का स्टेम्पर, आप इसे क्या कहते हैं, फिलोटेक्सी कहते हैं। प्लांट स्टेम्पर अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इज कॉल्ड एज फिलोटेक्सी। पॉइंट नंबर 1, अब ये जो फिलोटेक्सी है वो हो सकती है जिसमें बहुत सारी लीव्स अराइज करती है सेम लेवल पर सेम नोट पर स्टेम्पर। पहली चीज ये समझ में आ गई। अपोजिट लीव अरेंजमेंट में दो लीव्स अराइज करती है स्टेम्पर सेम लेवल पर सेम नोट पर अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टेम्पर। और अल्टरनेट को आप स्पाइरल पैटर्न के तौर पे समझ सकते हैं, हर एक लीव अराइज करती है डिफरेंट पॉइंट या नोट पर जो स्टेम्पर प्रेजेंट होता है। और गुआवा में याद कीजिए अपोजिट फिलोटेक्सी होती है। इस क्वेश्चन के बहाने से एक बार रिवाइज कीजिए। 5.3.3 चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर अल्टरनेट, ऐसा कुछ है क्या? हाँ हाँ, मैं फ़ोटो भी लगाई हूँ वॉलपेपर, ठीक है। चाइना रोज मस्टर्ड एंड सनफ्लावर आर अल्टरनेट। द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वास्कुलर बनर इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द रिंग अरेंजमेंट, ठीक है। डाइकॉट स्टेम दिया हुआ है, मैच करना है इनकरेक्टली मैच, ठीक है। आंसर है सेकंड ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पेरी प्लैनेट है अमेरिकाना, आप जानते हैं कॉकरोच को कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लार्ज ओवरीज होती हैं, ये लेटरली होती हैं सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स में। सेकेंड टू सिक्स एब्डोमिनल सेगमेंट्स में पेयर ऑफ स्पर्मेथिका सिक्स सेगमेंट में होता है जो कि ओपन करता है जेनाइटल चैम्बर में। जो टेस्टिस है वो भी लेटरल साइड में फोर टू सिक्स सेगमेंट्स में होती है। मशरूम ग्लैंड एक एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, ये आपको सिक्स सेवंथ एब्डोमिनल सेगमेंट में देखने को मिलेगा मेल कॉकरोच के अंदर। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। A typical cell which of the following constitute least percent of the total cellular mass, मेरे ख्याल से लिपिड आता है या क्या आता है, लिपिड ही तो दिया है आंसर। उससे पहले क्या क्या आता है? इसका आंसर ऑप्शन 4 है, लिपिड्स। टेबल 9.4 देखिए, पेज 147 पे एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन, और आप देखिए प्रोटीन 10 टू 15%, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखिए 5 टू 7, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स और सबसे बाद में आयंस। बिल्कुल डायरेक्ट एक्चुअल क्वेश्चन है। अगेन आई विल स्ट्रांगली एडवाइस यू टू गो थ्रू राइट नाउ टेबल 9.1 9.2 9.3 खासतौर पे जिसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स दिए हुए हैं। 9.4 8.4 देखिए, पेज 147 पे एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल्स। तो व्हाट इज सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन, और आप देखिए प्रोटीन 10 टू 15%, उसके बाद न्यूक्लिक एसिड देखिए 5 टू 7, फिर कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद लिपिड्स और सबसे बाद में आयंस। बिल्कुल डायरेक्ट एक्चुअल क्वेश्चन है। अगेन आई विल स्ट्रांगली एडवाइस यू टू गो थ्रू राइट नाउ। ओके, मतलब कि जो परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास कंस्टिट्यूट द लीस्ट परसेंटेज ऑफ सेलुलर लीस्ट परसेंटेज ऑफ टोटल सेलुलर मास में लीस्ट में लिपिड आएगा सबसे पहले वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। में कैसे याद होगा यार, वाटर, फिर प्रोटीन होता है, फिर प्रोटीन के बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड के बाद कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके बाद लिपिड होता है, उसके बाद आयंस होता है। मैं बार बार देखूंगी तो शायद याद हो जाएगा। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, फिर आयन, एंड ऑनियन रूट टिप सेल 16 क्रोमोसोम, वाटर विद नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल एट द एंड ऑफ द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्वांटिटी नहीं बोल रहा, नंबर क्रोमोसोम तो सेम रहेगा, 16 रहेगा। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है, द नंबर विल रिमेन 16 एट द एंड ऑफ द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। पेज 164 बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी का एक पार्ट आपसे पूछा। डीएनए रेप्लिकेट करते हैं तो क्रोमोसोम में आपको दो आर्म्स देखने को मिलेंगी रेप्लिकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल को रखने के लिए, इन्हें आप सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं, जब तक ये सेंट्रोमियर पे अटैच है। अगर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाए और सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होकर के अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाए, देन दे बिहेव एज इंडिविजुअल क्रोमोसोम। लेकिन एस फेज के एंड पर दे विल रिमेन अटैच, तो दोनों क्रोमेटिड्स एक ही क्रोमोसोम की दो आर्म होती हैं। सो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन 16। ठीक है, समझ में आया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जल्दी जल्दी करना चाहिए। 90 क्वेश्चन अभी 30 पहुँचे, मेरे 20 पे पहुँचे। बाप रे, ट्रिटिकम एस्टिवम एंड मैंगीफेरा इंडिका बिलोंग्स टू द सेम डिवीजन। सेम
डिवीज़न कैसे कैसे याद रखूँ मैं उसको। मेरे ख्याल से ट्वेंटी केमिस्ट्री में ऑप्शन वन इज द करेक्ट आंसर, ओनली डिवीजन। सो इटिका मेस्टिवम वीट को कहते हैं, मैंगीफेरा इंडिका इज द मैंगो। टेबल 1.1 से क्वेश्चन लिया गया पेज नंबर 11 से। और देखिए दोनों की जो डिवीजन है, डिवीजन फाइलम की जगह कहते हैं प्लांट किंगडम में, एंजियोस्पर्म में है। क्लास दोनों की डिफरेंट है, मैंगो डाइकॉट है और वीट जो है वो मोनोकॉट है। और आप समझ सकते हैं अगर क्लास डिफरेंट होगी तो नीचे भी और डिफरेंट होगा। सो आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। यहां पर एक और क्वेश्चन मैं आपसे कहूंगा कि पूरी टेबल को ध्यान से देखिए और जो फैमिली ऑर्डर क्लास का जो नाम एंड हो रहा है उसमें देखिए कि बाद में क्या सफिक्स लग रहा है। जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है नीट एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है यार, वो डाइकॉट था और वो मोनोकॉट था। हाँ ठीक है। टेस्ट दैट डो नॉट इंक्लूड एनी फोटोसिंथेटिक मेंबर्स आर थर्ड मतलब टू और थ्री स्लाइम मोल्स एंड प्रोटोजोअन। प्रोटीज डू नॉट इंक्लूड एनी फोटोसिंथेटिक मेंबर्स। अच्छा हाँ, तो फिर स्लाइम मोल्स और स्लाइम मोल्स यूग्लिना नहीं बोल रहे, ठीक है। स्लाइम मोल्स और प्रोटोजोअन सही है। You do not expect to see flagella during the life cycle of Polysiphonia, red algae, ठीक है। Variation in the length of the filament with the flower is seen in mustard, मैं कैसे याद रखूँ। ठीक है याद रख लेती हूँ। Filament with the seen in the mustard, यार ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है, पेज नंबर 75। डायरेक्ट एक्चुअल क्वेश्चन, मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। आप देखिए वेरिएशन इन लेंथ ऑफ द फिलामेंट्स विद इन अ फ्लावर, टू एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिए हुए साल्विया और मस्टर्ड। टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू ट्राई टू सी ऑल द टर्म्स एपिपेटलस एपिफिलस, व्हाट आर मोनोएडल्फस डाईएडल्फस एंड पॉलीएडल्फस स्टेमन एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स। ओके, साल्विया और मस्टर्ड दिए हैं, याद ही नहीं आ रहा था। ये वो फ्लावरिंग प्लांट सेल दैट हैव परफोरेटेड एंड वॉल एंड साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियाई। अच्छा, सीओटीब एलिमेंट। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, सी ट्यूब फ्लावरिंग प्लांट्स में इलॉन्गेटेड लिविंग सेल्स को कहा जाता है। इन्हें आप सी ट्यूब एलिमेंट्स बोलते हैं, फ्लोएम का पार्ट है और इनके न्यूक्लियाई फ्रेगमेंट होकर डिसअपीयर हो गए डेवलपमेंट के दौरान। तो ये न्यूक्लिएटेड है। इनके जो ट्रांसवर्स एंड वॉल्स हैं वो पियर्स होते हैं ग्रुप, और वो उनमें पियर्सिंग्स होती हैं, ग्रुप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे चलनी होती है, इसीलिए इनको आप सीव लाइक ग्रुप ऑफ पोर्स या सीव प्लेट्स कहते हैं। और कंड्यूट का काम करते हैं फूड ट्रांसपोर्ट के लिए। मोनो नॉन एंजियोस्पर्म जो वास्कुलर प्लांट है जैसे जिम्नोस्पर्म, उनमें सीव सेल होता है, थोड़ा सा प्रिमिटिव स्ट्रक्चरल फीचर है उसके, लेकिन फंक्शन सेम परफॉर्म करता है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ में एडजेसेंट आपको न्यूक्लियस कंटेनिंग कंपेनियन सेल मिलेगा। और ये जो सारे जो फंक्शन है जो एटीपी प्रोवाइड करना है, बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करनी है, ये सब काम कौन करता है? कंपेनियन सेल करता है। What is not true regarding smooth muscle? Pehla, they do not have actin and myosin. Not true. They do not have actin and myosin. Pagal ho gaya kya? Not likha na, not true. To do not kaise ho sakta hai? The term that is not applicable to bacterial flagella will be. Achha. Tubulin. तो tubulin किस में होता है, याद कर जरा। Second, the number of carbon atom is 2 in the structure of. अच्छा, टू मतलब ग्लिसरॉल। ओके, ग्लिसरॉल नहीं, ग्लाइसिन पागल। ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन के बहाने पेज नंबर 145 अभी खोलिए और देखिए सारे स्ट्रक्चर्स पेपर देखिए बड़े ध्यान से, कोई भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ग्लाइसिन देखिए, दो ही कार्बन है, एलेनिन में देखिए तीन कार्बन है और राइबोस पेंटोज शुगर होती है। और अगर आप ग्लिसरॉल की बात करें तो डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, इसमें भी तीन कार्बन होते हैं। सो ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू। ओके, मतलब वो जो 9.1 जो फिगर दिए हुए बायोमोलिक्यूल्स में, वहाँ से पूछा है। ठीक है, जगह यहाँ पर फ्लैजेलिन प्रोटीन होता है और ये फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रिंसिपल कंपोनेंट है बैक्टीरियल फ्लैजेलम का और बहुत ज्यादा अमाउंट में सारे फ्लैजेलेटेड बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ट्यूबुलिन विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्स, और माइक्रोट्यूब्स आप जानते हैं उनका अरेंजमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजेलम इन द यूकेरियोट्स। बैक्टीरियम फ्लैजेलम बोला है, और अगर यूकैरियोटिक फ्लैजेलम बोलता तो ट्यूबुलिन काम आता है सब कुछ। मेरे पास टाइम नहीं है। एम्ब्रियोनिक लीव्स ऑफ द ऑयल शीट आर एक्सपेक्टेड टू कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इलायो। इलायो से लग रहा है ऑयल।
Each step of the ascent of this first strand of DNA is represented by second cancer of only one and two are correct. Third is incorrect. Rice per whisper. ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है. पेज 152 आपकी एनसीईआरटी की, इसको देखिए. देखिए जो असेंट है, जब आप डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल की बात करते हैं वॉटसन एंड क्लिक की, जिसमें आप सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखते हैं बी डीएनए का जो सबसे हाइड्रेटेड और स्टेबल है, तो ये जो हेलिकल स्टेयर केस है उसमें जो हर एक स्टेप है वहाँ पर एक बेस पेयर है और हर एक असेंट पर स्ट्रैंड टर्न करता है 36 डिग्री. आप जानते हैं कि 10 बेस पेयर मेजर ग्रूव में होते हैं पिच ऑफ डीएनए, सो 36 डिग्री में अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट विल गिव यू 360 डिग्री. अब ये जो राइज पर बेस पेयर है ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है 3.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर मैंने इसको नैनोमीटर में पूछा है, सो डिफरेंस ये आएगा कि द राइज पर बेस पेयर इन नैनोमीटर वुड बी 0.34. मैं हमेशा इसको पता नहीं क्यों गलत करती हूँ या फिर वो खुद दिमाग में बैठता ही नहीं है. देखो राइस पर बेस पेयर, राइस बस पर बेस पेयर इज नैनोमीटर में 0.34 आएगा यार, कम आएगा ना, ये सोच कम आएगा. ठीक है कम आएगा, नैनोमीटर में भी नैनो का मतलब ही कम है और पॉइंट का मतलब भी कम है. कम. राइस पर बेस पेयर कम मतलब कि पॉइंट में आएगा और नैनोमीटर भी आएगा. ठीक है मेरे को याद हुआ. अरे यार मैं कॉलम 4 आर पी एस क्यू पहला का आर, फाइको का ब्रेड एंड मोल्ड, एस्को का मोरस स्टफर्स, बेसिडियो का स्मार्ट, ड्यूट्रो का अल्टरनेरिया, ये तो पता था यार मेरे को. व्हाट इवेंट इज कंसिडर्ड एज द प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिट, हेटरोस्पोरी पता था. हाउ मैनी बॉक्स हैव एक्टिनोमॉर्फी, 6 टोटल 6. ऑप्शन टू करेक्ट आंसर है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है. देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार कीजिए, तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी में पेज नंबर 72 देखें तो एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड, ततूरा, चिली इन सब के एग्जांपल दिए हैं और अगर आप फैमिलीज के डिस्क्रिप्शन में देखें तो लीली एसी और सोलन एसी के फ्लावर देखिए एक्टिनोमॉर्फिक है और इस तरह से कंपोजिट क्वेश्चन बनाया जाता है. कोशिश कीजिए अपने आप सोचने की क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, तो इस तरह से बॉक्स में आपको बहुत सारे नाम दिए होंगे और एक फीचर पूछ लेंगे कितने प्लांट्स में प्रेजेंट है. जाइगो में सिर्फ पैपिलियो पहला वाला जो लेग्यूमिनस होता है वो आता है, बाकी सब तो फिर यार हटा दो बस उसको, मतलब कि इंडिगो फिरा को हटा दो, बीन को हटा दो, है ना. तो दो को हटा दिए तो 1 2 3 4 5 6 6 नहीं मेरे को और भी हटाना पड़ेगा, पर मेरे को याद ही नहीं आ रहा. What looking at the TS of a certain plant part of you convenience that it must be monocot stem. Presence of water containing cavity with the vascular bundle. presence of water containing cavity. से पता लगेगा कि stem में भी monocot stem की बात कर रहे हैं क्योंकि NCERT में लाइन है. हाउ हिस्टोलॉजी 4 टेंडन है ये मैं कैसे पता करूँ टेंडन है ये, नहीं पता यार. अब 2 3 स्ट्रेटा में भी फाउंड फ्रॉम सेल वॉल, ऑल द 3 आर प्रेजेंट द आउटर मोस्ट लेयर रिच इन पेक्टिन. अप टू 3 स्ट्रेटा लेयर में भी फाउंड आंसर वॉल, रिच इन पेक्टिन. हालांकि आर एस आर एक सेल्स में वो देखने को नहीं मिलती है, तो मुझे उम्मीद 1 इज द करेक्ट आंसर. तो देखिए पेज नंबर 132 एनसीईआरटी, पहले तो ये समझिए आप एनसीआरटी कह रही है कि मिडिल लैमेलाइज़र लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट व्हिच एक्चुअली ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर. तो दो प्लांट सेल्स को एक साथ ग्लू करती है, इसका मतलब सबसे बाहर की तरफ होगी. तो पहली बात तो ये समझिए और इसमें जो है कैल्शियम पैक्टेट, सो इट इज रिच इन पैक्टेट्स. आपका आंसर आपके पास आ
सेंसिबल की बात होगी तो ये इसके अंदर की तरफ होगी, और ये प्राइमरी सेल वॉल की बात होती है उसमें एक्सपेंसिव प्रोटीन होते हैं, आप जानते हैं ऑक्सिन और प्रोटॉन का रोल, दैट इज एक्चुअली एक्सपेंसिव। सबसे अंदर की तरफ क्या होगी? सेकेंडरी सेल वॉल होगी, दैट कैन बी लिक्विफाइड, हालांकि हरे सारे सेल्स में वो देखने को नहीं मिलती। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। इसका आंसर है सेकंड, पूछा इनकरेक्ट। लेसिथिन फॉस्फोलिपिड सही है, साइटिडीन न्यूक्लियोसाइड सही है, ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन को ग्लिसरॉल बोलते हैं, 3-carbon का सही है, एरोमेटिक अमीनो एसिड को 3-anion नहीं बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, अच्छा मतलब कि क्रॉसिंग और कंप्लीट किसके होते हैं, लेफ्ट जब पैकेटिन में कंप्लीट होता होगा और क्या। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड आर हर्बेरियम द बेसिडियो, दोनों करेक्ट है सर। सक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है और बेसिडियो स्पोर आर फॉर्म्ड एक्सोजीनियसली, मतलब कि सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है लेकिन जो सेक्सुअल स्पोर होता है बेसिडियो स्पोर वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है। एक्सोजीनियसली याद रखना, बेसिडियो में एक्सोजीनियसली याद रख लेना। नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल। फोर्थ ब्रैंकियोस्टोमेटा एसिडिया सल्फाडोलियोलम। मैं हमेशा भूल जाती हूँ कि एसिडिया सल्फाडोलियोलम किसका एग्जांपल है भाई, यूरो का है, यूरो 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 सिफेलो का ब्रैंकियो और एम्फी वाला है, एक ही है मतलब। स्कार ऑन डाइकोट सीड पोर्ट वेयर द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट इज नोन एज, स्कार ऑन डाइकोट सीड पोर्ट वेयर द डेवलपिंग सीड वेयर अटैच टू द फ्रूट इज नोन एज हाइलम, ठीक है। ऑप्शन 3 हाइलम इज द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 76-77 अपनी एनसीईआरटी में। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट सीड देखिए, जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे सीड कोट कहते हैं, दो लेयर होती है, बाहर वाली टेस्टा, अंदर वाली को टेक्पन कहते हैं। हमारा आंसर है कि हाइलम जो है वो स्कार है जिसके थ्रू डेवलपिंग सीड्स अटैच थे फ्रूट को, और हाइलम के जस्ट ऊपर एक छोटा सा पोर होता है जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल, और कोट के अंदर विद इन द कोट इज प्रेजेंट व्हाट इज कॉल्ड एज एम्ब्रायो, और एम्ब्रायो में एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और दो कोटिलेडंस होते हैं। मेरे को क्वेश्चन फिर से रिवाइज करना पड़ेगा एनसीईआरटी से। रेजिन गम सब्सटेंस में प्लग द ओल्डर इनर पार्ट ऑफ द लास्ट ट्री, दिस पार्ट इज कॉल्ड हार्टवुड, अच्छा मेरे को नहीं पता। नाइट्रोजनस वेस्ट आर ऑप्शन 1 हार्डवुड इज द करेक्ट आंसर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो हार्डवुड और सैपवुड के बारे में पढ़िए 6.4.1.4 पेज नंबर 96। ओल्ड ट्रीज में जो ज्यादातर पार्ट है सेकेंडरी साइलम का डार्क ब्राउन होता है क्योंकि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स एटसेट्रा ये उसमें डिपॉजिट हो जाते हैं, इसे हार्ड बना देते हैं, ड्यूरेबल बना देते हैं, रेजिस्टेंट बना देते हैं माइक्रोब्स के अटैक के खिलाफ, और इस रीजन को डेड इसमें जिसमें डेड एलिमेंट्स हैं और हाईली लिक्विफाइड वाले से हार्डवुड कहा जाता है। ये कंडक्ट नहीं करता है पानी को पर मैकेनिकल सपोर्ट देता है स्टेम को। जो पेरिफेरल रीजन है सेकेंडरी साइलम का लाइटर इन कलर है, इसे सैपवुड कहते हैं, और ये इन्वॉल्वड है कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स में रूट से लीफ तक। सो बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, रिवाइज कीजिए। सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है लेकिन मैं बार बार भूल जाती हूँ। नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्जॉर्ब एंड कन्वर्टेड टू यूरिक एसिड इन कॉकरोच बाय द मेरपिजियन, और क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी मेड बाय द प्लांट सेल एंड मस्ट बी इनहेरिटेड बाय ईच डॉटर सेल ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट मेड बाय द प्लांट सेल मस्ट बी इनहेरिटेड, मतलब है इसका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है, अपना सर्कुलर डीएनए होता है, डिवाइड करती हैं बाइनरी फिशन में और सेल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डॉटर सेल्स में। सेल वॉल प्लांट सेल बना सकता है, स्पिंडल बना सकता है, एनेस्टल माइटोसिस होता है प्लांट सेल में, सेंट्रियोल इज नॉट रिलेटेड टू द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल की बात कर रहे हैं और सेंट्रियोल लगाए हैं 46% लोग, क्यों? ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। तो आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स है, अपना सर्कुलर डीएनए होता है, डिवाइड करती हैं बाइनरी फिशन में और सेल डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं डॉटर सेल्स में। सेल वॉल प्लांट सेल बना सकता है, स्पिंडल बना सकता है, एनेस्टल माइटोसिस होता है प्लांट सेल में, सेंट्रियोल इज नॉट रिलेटेड टू द प्लांट सेल्स।
इनकरेक्ट बताना है। थर्ड वाला इनकरेक्ट है, सबस्ट्रेट नीड नॉट गो थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट इफ एग्जांपलाइज रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नहीं भाई, किसी भी कंडीशन में जाता है। पहला दूसरा सही है। फोर्थ एंजाइम थ्रेश विल नॉट बी यूज्ड अप इन केमिकल रिएक्शन कैटलाइज बाय देम। सही बात है, नहीं होता। इसका आंसर है फोर्थ, RPSQ। मेटाफेज बाइवेलेंट अलाइन एनाफेज होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट सिस्टर क्रोमेटोफोर एसोसिएटेड। मेटाफेज टू माइक्रोटोबल फॉर्म ऑफ प्रेजेंट फॉर गिराटास दुकानों को और सिस्टर क्रोमेटिक जहाँ लिखा तो टू आना चाहिए दिमाग में। एनाफोस टू सेंट्रोमेर स्प्लिट। इनकरेक्ट बताना है। सेकंड इनकरेक्ट है, रिट्वायर्स कंटेन बोथ तो नहीं भाई। ऑब्लिगेट सेलुलर एंडो पैरासाइट वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइट। फर्स्ट वन डब्ल्यू स्टनले अ वायरस इज अ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस। करेक्ट डिस्क्रिप्शन जूस्पोर्स। फर्स्ट है जूस्पोर इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी विल बी। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जूस्पोर, ओके, जूस्पोर इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी विल बी। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जूस्पोर इन्वॉल्व इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ जूस्पोर, 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 भाई इतना कह कंफ्यूज। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, पेज नंबर 33। देखिए फेयोफाइसी ब्राउन एल्गी में जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई फ्लैजेलेट जूस्पोर से होती है जो पियर शेप्ड है और दो अनइक्वल लेटरली अटैच्ड फ्लैजेला है। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गई कि हमारा आंसर ये है। दूसरी चीज एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, फ्लैजेला नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शंस जो टेबल में दिया हुआ, टेबल 3.5 में 3.1 में जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ एल्गी में है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्लोरोफाइसी में 2 से 8 इक्वल रेडिकल, फेयोफाइसी में 2 अनइक्वल लेटरल और रोटोफाइसी में हमने क्वेश्चन पहले भी लिखा था दे आर एब्सेंट। ब्राउन एल्गी के बारे में है, ठीक है, बाईफ्लैजेलेट पियर शेप्ड एंड लेटरल अनइक्वल, ठीक है ठीक है, वो अलग टेबल में दिया हुआ है, ठीक है। ब्राउन से बाई तो याद ही रख सकती हूँ, पियर और लेटरल अनइक्वल फ्लैजेला ये याद रखना। सेकंड क्या बताना है, करेक्ट मैच, सेकंड करेक्ट मैच मोलस्का टी मोलस्का में कीटोप्लूरा सेपिया डेंटेलियम निडेरिया में क्या नहीं आता है, लूरोब्रैंकिया नहीं आता है और क्या एडेमशिया और गॉर्गोनिया आता है कि नहीं। यार मेरे को बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, वाला क्वेश्चन को देख के, इस क्वेश्चन को देख के और मेरे को एक बार मैच करना है। लीफ टेंड्रिलिसी में लीफ की बात करें तो प्लीज़ याद रखना, और क्या टेंड्रिलेक्ट होता है इसमें ना, ग्रेपवाइन भी होता है। और ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आप 5.3.4 पेज 71 पे देखिए तो लीफ टेंड्रिल आपको दिखाई देते हैं बीज में, स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती है लीव्स जो डिफेंस के लिए कैक्टस में, और ऑब्वियसली इट आल्सो रिड्यूसेस द वाटर लॉस। अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखें 5.2.1 पेज नंबर 68 पे तो आप ये देखेंगे कि यहां पर जो स्टेम टेंड्रिल दिया हुआ है, ककंबर, पंपकिंस और वाटरमेलन और ग्रेपवाइन, इनमें आपको स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स में फ्लैटेंड हो जाता है स्टेम, अपंशिया में या फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है यूफोरबिया में, उनमें क्लोरोफिल होता है, दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो द बेसिक आइडिया इज दैट आइदर लीफ मॉडिफिकेशन और स्टेम मॉडिफिकेशन इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीडेंटेंस। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। आप 5.3.4 पेज 71 पे देखिए
तो लीफ टेंड्रिल आपको दिखाई देते हैं, पीस में स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं लीव्स जो डिफेंस के लिए, कैक्टस में, और ऑब्वियसली इट आल्सो रिड्यूसेस द वाटर लॉस। अगर आप मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम देखें 5.2.1 पेज नंबर 68 पे, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टेम टेंड्रिल दिया हुआ है ककम्बर, पम्पकिंस और वाटरमेलन और ग्रेप वाइन, इनमें आपको स्टेम टेंड्रिल देखने को मिलता है। कुछ प्लांट्स में फ्लैटेंड हो जाता है स्टेम अपंशिया में, या फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो जाता है यूफोरबिया में, उनमें क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। सो द बेसिक आइडिया इज दैट आइदर लीफ मॉडिफिकेशन और स्टेम मॉडिफिकेशन इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन नीट एंट्रेंस। ठीक है, मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, भूल गई। The entrance of mineral into the vascular cylinder in dicot root is regulated by vascular cylinder dicot root is endodermis है क्या? यार एक तो क्वेश्चन था जिसमें मैं गलती की थी। Cyanobacteria are not expected to have flagella. रेड एलगी में भी नहीं होता और इसमें भी नहीं होता फ्लैजिला। बाकी क्रोमेटोफोर नाइट्रोजन है तो गैस वैक्यूल होता है, गैस वैक्यूल याद रखना, साइनोबैक्टीरियम होता है। क्रोमेटोफोर्स भी इम्पोर्टेंट है। काइटीन इज अ लॉन्ग चेन एनासिटाइल ग्लूकोसामिन, यार पता था। Cells that do not divide further exit the cell cycle from the G1 phase. ऑप्शन 2 जीवन फेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को आसानी से समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ सेल्स अपने सेल साइकिल में डिसाइड करते हैं कि उन्हें डिवाइड नहीं करना, तो वो सेल साइकिल की वो सस्पेंड करते हैं और सेल साइकिल से एग्जिट कर जाते हैं, तो ये एग्जिट कौन सी स्टेज से होता है? तो आंसर है जीवन। और जब एग्जिट करके जो वो स्टेज है जिसमें वो पहुंच जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आप जी नॉट स्टेज कहते हैं। अगर ये एग्जिट केवल टेंपरेरी है और सेल अगर उसकी बाद में जरूरत पड़ रही है वापस डिवाइड करना डिसाइड करता है, तो दोबारा से सेल साइकिल में जीवन में ही एंटर करेगा, डायरेक्ट एस फेज में नहीं जाएगा। हाँ समझ में आया, फिर से जीवन से निकला है, जीवन में ही वापस आएगा फिर से अगर एंटर करना है तो। ह्यूमन डिजीज दैट इज एनालॉगस मैड काउ डिजीज कैटल। अच्छा फोर्थ प्रियन भाई, मैड काउ डिजीज इन कैटल कॉज्ड बाय कैटल में जो मैड काउ होता है वही जो होता है वो ह्यूमन में कौन करता है, उसका नाम अलग होता है लेकिन प्रियन ठीक है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रायंस मिसफोल्डेड प्रोटीन्स आप जानते हैं, डिजीज जो एनालॉगस है मैड काउ डिजीज की कैटल में उसे आप कह रहे हैं। ग्लूट्सफेल्ड जेकब डिजीज एक एनसेफेलोपैथी है, प्रैक्टिकली 100% केसेस में फैटल है, और प्रायन वो इन्फेक्शियस एजेंट है जो इस ग्लूट्सफेल्ड जेकब डिजीज को कॉज करता है ह्यूमंस में। जेकब डिजीज है ना। व्हाट इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रोथैलस ऑफ टेरिडोफाइट थैलॉइड स्पोरोफाइट? प्रोथैलस इज अ गैमेटोफाइट, तो यहाँ स्पोरोफाइट कैसे हो सकता है? बाकी 1, 2, 3 आर करेक्ट। मोस्ट फोटोसिंथेसिस फ्री लिविंग इनकंसिस्टेंट स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। होम्योथर्मिक बर्ड्स एंड मैमल्स पता था मेरे को। द गिवन फ्लोरल इज अ सेकेंड मस्टर्ड, क्यों? क्योंकि इसमें देख के K2+2 है और A2+4 है। ठीक है याद करूँगी, इसको भूल जाऊँगी लेकिन। सेकेंड एक्टिनो भी है ना, टीनो भी है। ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ इन अ डाइकोट स्टेम वास्कुलर कैम सेकेंडरी फॉर्म वुड एंड सेकेंडरी फ्लोएम देयर आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली टुवर्ड द स्टेम। ओके तो सबसे पहले बोला है कि वुड, वुड अंदर के साइड भाई अंदर, ठीक क्या अंदर मतलब सेंटर सेंटर, और जो सेकेंडरी फ्रेम है वो सरफेस पे। ठीक है क्या है? ओके पहला ही आंसर सही है। सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ABCD क्या है इसमें? A D और BC कहाँ है? BC कहाँ है? अरे मतलब बी और सी ऑप्शन कहाँ है? ए तो दिख गया यहाँ, डी भी दिख गया, अच्छा बी और सी इधर है। ठीक है क्या कह सकते हैं? पहला है नॉन रिड्यूसिंग एंड है, ए वाला नॉन रिड्यूसिंग एंड है,
राइट साइड वाला रिड्यूसिंग होता है यार, इतना तो मेरे को पता है। अब बी वाला देखना क्या, हाँ देख पर दिया है ना, अब राइट साइड वाला रिड्यूसिंग दिया। सी वाला कहाँ है, सी तो 1-4 है और डी 1-6 है यार, इसको कौन नहीं जानेगा साला। अल्फा होता है लेकिन अल्फा ही ठीक है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ द फेजेस इन द सेल साइकिल ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक, इसमें गलती मत करना, टू फेजेस किस किस बेसिस पे, यार मैं भूल गई। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसे जल्दीबाजी में गलत नहीं किया होगा। क्वेश्चन देखिए कि टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की जो सेल साइकिल है उसमें कितनी फेजेस होती हैं, तो आंसर है 2, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक या एम फेज, जब वो डिवाइड करता है जिसमें माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। तो हो सकता है आपने कुछ लोगों ने 4 आंसर दे दिया, मैं माइटोसिस की स्टेजेस नहीं पूछ रहा हूं, पूरी सेल साइकिल की कितनी स्टेजेस होती हैं। पूरी सेल साइकिल की 2 ही स्टेज है, इंटरफेज और एम फेज, समझ में आया। माइटोसिस का स्टेज नहीं है, पूरे सेल साइकिल का स्टेज पूछ रहे हैं। द ह्यूमन म्यूसिट 92 क्रोमैटिड्स एट द एंड ऑफ एस फोर, द नंबर ऑफ सेंट्रोमियर इन दिस सेल विल बी, मैं कैसे बताऊंगी यार, 46 होता है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, एस फेज सिंथेटिक फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, इसीलिए हर एक क्रोमोसोम की 2 आर्म्स दिखाई देंगी, इनको सिस्टर क्रोमैटिड्स कहा जाता है। तो 46 क्रोमोसोम, हर एक की 2 आर्म्स, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमैटिड्स कितने हो गए, 92। और हम पहले भी क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जब तक ये क्रोमैटिड्स या सिस्टर क्रोमैटिड्स इसी एक ही सेंट्रोमियर पर अटैच है, दे आर अ सिंगल क्रोमोसोम, और दोनों क्रोमैटिड्स जिस सेंट्रोमियर पर अटैच होते हैं इसकी वजह से अभी भी ये एक ही क्रोमोसोम है। सो अब आप ये समझ गए 46 क्रोमोसोम, उनके 92 क्रोमैटिड्स, लेकिन जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे रिमेन अटैच्ड टू अ सिंगल सेंट्रोमियर, सो नंबर ऑफ सेंट्रोमियर कम्स बैक टू 46। क्रोमैटिड्स डबल हैं, अच्छा एस फेज में डबल हो गया तो क्रोमैटिड्स डबल होगा ही, लेकिन क्रोमोसोम तो वही रहेगा, मतलब सेंट्रोमियर भी एक उतना ही रहेगा, मतलब हाफ। ठीक है, आइडेंटिफाई अ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइट कंटेनिंग अ पायरिमिडिन बेसिस, डिनसिन सिंडिन साइड होता है। ठीक है, ह्यूमन हैव अ हैप्लॉइड क्रोमोसोम, हाउ मेनी टेट्राड विल बी फॉर्म ड्यूरिंग मियोसिस, मेरे को नहीं पता। एक और क्वेश्चन ये देखने के लिए कि हम सेल डिवीजन को अच्छे से समझते हैं कि नहीं। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर n = 23, तो इसका मतलब डिप्लॉइड नंबर कितना हो गया 46 का मतलब है 23 पेयर। पेयर में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, होमोलोगस, और ये मिलकर के क्या बनाते हैं, जब इनके बीच में साइनेप्टिक यूनियन कॉम्प्लेक्स बनता है टेट्राड, सो एक टेट्राड में एक्चुअली कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, 2, तो आपको कितने टेट्राड दिखाई देंगे, 23 टेट्राड का मतलब इनवॉल्व 46 क्रोमोसोम, व्हिच इज द डिप्लॉइड नंबर ऑफ द ह्यूमन सेल। ओके, मैं फिर से रिवाइज करूंगी इसको, इसका आंसर है 4th QSRP, QS टिपेनोसोमा का सिकनेस, गोनियल एक्सपेरेट है, अल्टरनेलिया कार्ली, वायरॉइड का पोटैटो स्पिंडल, हाँ वायरॉइड दिया है, पोटैटो स्पिंडल NCERT में लिखा है, पोटैटो स्पिंडल वायरॉइड के लिए लिखा है, वायरस के बाद वायरॉइड होता है। ठीक है, ठीक है, फिल्म, अरे यार अब मैं नहीं वो कर सकती, अब मेरे को व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द सीड प्लांट, सीड प्लांट के बारे में थर्ड आंसर सही है, द गैमेटोफाइट इज रिड्यूस्ड एंड डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट, कंसीडर द 3 स्टेटमेंट, आंसर है 4, सारा करेक्ट है, साइक्लोस्टोम्स डू नॉट हैव जॉज, स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, कॉन्डिक थाइज हैव प्लेकोइड स्केल्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मैनी केसेस विविपैरिटी, ऑस्टिक थीज हैव ओपरकुलम स्विम ब्लेडर एंड आर कोल्ड ब्लडेड। इसको मैं बार बार पढ़ूंगी, बार बार पढ़ूंगी क्योंकि बार बार गलती करती हूँ, भूल जाती हूँ, मतलब भूल जाती हूँ गलती क्या करती हूँ। जिस वन द सीड पुर डेवलप फ्रॉम एंटेग्यूमेंट से सीड पुर बनता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में दिया हुआ है आंसर, दूसरा बस करेक्ट है, क्यूटिकल एब्सेंट होता है इन रूट और गार्ड सेल डंबल सेप होता है इन ग्रासेस एंड पॉजेस क्लोरोप्लास्ट, ये सही है, रूट हेयर आर मल्टी सेलुलर एंड स्टेम हेयर आर जस्ट अपोजिट, व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोजोम आर नॉट सीन इन द ह्यूमन कैरियोटाइप, टीलोफेस का है ये,
फोर्थ है एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू, एस आर पी क्यू।